जय हिंद दोस्तों, आई एम साकेत कुमार एंड टुडे आई एम गोना टीच हाउ टू कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इन दिस वीडियो आई विल कवर द सिटी न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। मेट, दिस वीडियो इज़ फॉर टैरो फेलो। दिस इज़ माई लिटिल एंडेवर टू टीच यू इंग्लिश मैगजीन। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो एंड माई एंडेवर। अलॉन्ग विद दिस आई हैव कवर्ड ऑल इम्परेटिव वोकैब ऑफ दिस न्यूज़। लेट्स बिगिन विद दिस न्यूज़ गाइस। गाइस, मैं इस आर्टिकल्स को शुरू करने से पहले आपको इसका एक सिनॉप्सिस बता देता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो अप्रैल मई में बढ़ गई है गाइस, ठीक है। और इनको एक ऑर्डर जारी किया गया है कि इनको जो नॉन एसेंशियल्स जो इनके खर्चे हैं उसको रोकने के लिए, कम करने के लिए। दिल्ली के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, इन्होंने अपना एक मेमोरेंडम जारी किया है और उन्होंने कहा है कि जो इनके 2019-20 के जो खर्चे थे और जो 2021 के जो खर्चे हैं उससे कहीं अधिक इन्होंने खर्चा किए हैं और इनके जो टैक्स कलेक्शन हुए वो भी कम हुआ है। चलिए गाइस, इसको हम समझते हैं। अगर मैं आपको इस वीडियो में एक और चीज़ बताता हूँ कि इस किसी भी न्यूज़पेपर के हेडलाइंस को कैसे समझें। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन होता है गाइस कि बहुत सारे लोग जो बिगनर्स हैं वो इस हेडलाइंस को समझ नहीं पाते, तो मैं आज इसके बारे में ही बात करूँगा। तो देखिए, जितने भी हेडलाइंस होते हैं गाइस, ठीक है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं, लेकिन हम इसको समझते हैं पास्ट। पहली बात कि जितने भी हेडलाइंस होते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं, लेकिन हम इसको समझते हैं पास्ट के, ठीक है। कभी भी हेडलाइंस में आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ नहीं किया जाता है, कभी भी हेडलाइंस में कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं किया जाता है, पास्ट टेंस का यूज़ नहीं किया जाता है, हैज़ हैव ऐसा यूज़ नहीं किया जाता है गाइस, ठीक है। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें जो देखो आप ये जो कोटेशन मार्क्स देख रहे हो, ठीक है, जब भी कोई बात, अगर किसी ने कोई बात कही है, कोई अधिकारी ने कोई बात कही है, तो हेडलाइंस में हम उनके बातों को सिंगल कोटेशन में दिखाते हैं गाइस, ठीक है। इस मार्क्स में जो भी आप देख रहे हो इस मार्क्स में दिखाते हैं। और अगर आप देख रहे हो कि V2 का यूज़ किया गया है तो वह उसमें होता है, समझते हैं उसको पैसिव समझते हैं। अगर 2+ इन्फिनिटिव होता है तो हम समझते हैं वो काम प्रेजेंट में हुआ है, ठीक है। तो ऐसा जब भी, अब देखो इसमें जब आगे आएगा तो मैं अभी और भी आगे जैसे बोल रहा हूँ तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आते जाएगा, जैसे एक आया हुआ है कि सिंगल कोटेशन में कुछ बात कही गई है, तो ये देखो आ गई, तो मैं आपको यहाँ भी समझाऊंगा कि इसका अर्थ क्या होता है, फिर ऐसे आप समझते जाओगे, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर, दिल्ली गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं एक्सपेंडिचर्स हैं इंक्रीज्ड, वह बढ़ गई है इन अप्रैल और मई। अप्रैल मई में दिल्ली गवर्नमेंट की खर्चा बढ़ गया, ये बात किसी ने कहा है, वैसा है जो न्यूज़पेपर के एडिटर है उन्होंने ऐसा इस बात को सिंगल कोटेशन मार्क में कहा है गाइस, ठीक है। ऑर्डर इशूड, ऑर्डर मतलब ऑर्डर को बोलते हैं वर्डिक्ट, ठीक है, मैंडेट, डिक्री, आदेश बोलते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्डर है इशूड वह जारी कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखोगे द आर्टिकल्स नहीं लिखा हुआ है, द ऑर्डर इज, अब यहाँ पे अगर पैसिव देखूँ तो इसमें हम बोले थे ना इज, एम आर का यूज नहीं होता है, द ऑर्डर इज इशूड, ऑर्डर जारी कर दिया गया है, ठीक है। टू कर्व, रोकने के लिए, नॉन इसेंशियल गैर जरूरी, इसेंशियल मतलब जरूरी, नॉन इसेंशियल मतलब गैर जरूरी एक्सपेंडिचर खर्चे को, एक जो ऑर्डर है, एक जो आदेश है वह जारी कर दिया गया है नॉन एक्सपेंडिचर, जो नॉन इसेंशियल्स खर्चे को, एक्सपेंडिचर्स को रोकने के लिए, कर्व करने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये बात किसने कहा है, कॉमा लगा के कह रहा है कि सेस सिसोदिया। तो जब भी हम जब किसी बात को सेड या सेस कहते हैं तो हम कॉमाज लगा के बोलते हैं, कॉलम लगा के बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा लगाया हुआ है अभी क्योंकि इन्होंने ये बात कही है सेस सिसोदिया। अब आगे पढ़ते हैं गाइस, अब देखिएगा कह रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर। अब देखिए अगर कोई मिनिस्टर है, कोई पद दिया गया है गाइस, ठीक है, तो अगर वो इनकम्बेंट पर्सन का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है तो हम वहाँ पे द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर उस पद का, उस व्यक्ति का नाम वहाँ पे नहीं मेंशन किया गया तो वहाँ पे हम द का यूज करेंगे, ठीक है, आर्टिकल्स का यूज करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे द का यूज नहीं किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ऑन थर्सडे, अब प्रीपोजिशन ऑन किसी भी दिन, मंथ, ईयर, ठीक है, अगर खास उसी दिन का बात करें तो हम वहाँ पे ऑन का यूज़ करते हैं गाइस। तो फाइनेंस मिनिस्टर सिसोदिया ऑन थर्सडे सेड, उन्होंने कहा, बृहस्पतिवार को उन्होंने कहा, दैट की अ मेमोरेंडम, एक मेमोरेंडम हैज़ बीन रिलीज्ड, वह रिलीज्ड कर दी गई है, हैज़ बीन रिलीज्ड, वह रिलीज्ड कर दी गई है, टू रेशनलाइज, रेशनलाइज करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए, क्या, द दिल्ली गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर, दिल्ली गवर्नमेंट के खर्चे को, ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो खर्चा हुआ है उसको साबित करने के लिए एक मेमोरेंडम जारी कर दिया गया, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को कहा, ठीक है गाइस। आगे
मिस्टर सिसोदिया सेड, मिस्टर सिसोदिया ने कहा दैट कि द एक्सपेंडिचर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, जो खर्चे हैं द एक्सपेंडिचर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, तो ये इसको लिखने का है दिल्ली गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, इस लगा के ही बताते गए तब भी बताते कि दिल्ली गवर्नमेंट की खर्चे, लेकिन लिखने का बोलते हैं रमाज बुक या द बुक ऑफ राम, राम की किताब या रमाज बुक, ठीक है, तो ऐसे इसको समझेंगे। तो लिखा है कि द एक्सपेंडिचर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट की खर्चे हैज इंक्रीज्ड, वह बढ़ गई है। तो आपको गाइस टेंस भी आना चाहिए, ठीक है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि वह बढ़ गई है, दिल्ली गवर्नमेंट की खर्चे बढ़ गई है। अराउंड 80%, लगभग 80% तक खर्चे बढ़ गई है ड्यूरिंग द फर्स्ट टू मंथ ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर, वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम दो महीनों के दरमियान, वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम दो महीनों के दरमियान जो खर्चे हैं वो 80% तक बढ़ गई है कंपेयर टू द क्रॉस्पॉन्डिंग पीरियड, जो इससे पहले की जो समय थी, इससे पहले की जो फाइनेंशियल ईयर थी उससे तुलना करने में, ठीक है, द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जो पहले का फाइनेंशियल ईयर उससे तुलना करें तो अभी की जो खर्चे हैं वो लगभग 80% तक बढ़ गई है गाइस, ठीक है। ही स्टेटेड, उन्होंने कहा दैट की रेवेन्यू रिसिप्ट, जो उनकी राजस्व की प्राप्ति है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है ऑफ दिल्ली, दिल्ली का हैव बीन, वह रहा है, दिल्ली का जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है, आय है, वह रहा है 5,273.26 करोड़ ड्यूरिंग द फर्स्ट टू मंथ ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर, वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम दो महीनों में जो उनका ये खर्चा रहा है गाइस, दिल्ली गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रिसिप्ट रहा है वो 5,273.26 करोड़ रहा है, ठीक है। वाइल, जबकि इट्स, अब इट्स यहाँ पे एक प्रोनाउन है, किसके लिए आ रहा है गाइस, दिल्ली के लिए आ रहा है। वाइल, जबकि इट्स एक्सपेंडिचर, इस दिल्ली का जो खर्चा है, हैज रिस्ट, वह पहुँच चुकी है, ₹8,511.09 करोड़, जो इनका जो खर्चा रहा है गाइस वो 5,273.26 करोड़ रहा है, लेकिन वह खर्चा पहुंच के कहाँ पहुंच गया है गाइस, 8,511.09 करोड़। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि डबल कोई भी कोई बात कही होती है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में कहा जाता है, देखिए भी आपको आएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट, जब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको ये मिलेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। जब डायरेक्ट स्पीच वो होता है जब हम किसी के कही हुई बातों को हूबहू वैसे ही लिख देते हैं, तो ठीक है, उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जब उसको हम अपनी भाषा में लिखते हैं तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो यहाँ सभी चीज़ें डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है गाइस। दिल्ली हैज़ इंकर्ड, दिल्ली ने इंकर्ड किया है, दिल्ली ने इंकर्ड करना मतलब गाइस आप इसको कह सकते हो व्यय करना, खर्च किया है, ठीक है। दिल्ली हैज़ इंकर्ड ₹3,237.83 करोड़ मोर देन इट्स रिसिप्ट, कहने का मतलब कि दिल्ली ने खर्चा किया है, व्यय किया है 3,237.83 करोड़, मोर देन, उससे कहीं अधिक, इट्स रिसिप्ट, अपनी रिसिप्ट से कहीं अधिक इन्होंने 3,237.83 करोड़ रुपया खर्चा किया है। वर्मेट, जिसे विच वर्मेट, विच किसके लिए, एक रिलेटिव प्रोनाउन है या रिसिप्ट के लिए आया है, विच ये जो आय है वह लिया गया फ्रॉम लास्ट ईयर सेविंग, पिछले साल के सेविंग से गए, ठीक है। हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से कह रहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट टू मंथ, पहले दो महीने के दरमियान, द एक्सपेंडिचर, ठीक है, यूज्ड टू बी ₹4,705.14 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर। गाइस एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं कुछ समझाना चाहता हूँ आपको कि ये यूज टू बी का प्रयोग, यूज टू बी कहने का मतलब कि मैं आपको बताऊँ कि अगर कोई बात ये कहनी हो कि पहले कुछ हुआ करता था, अब वो वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर यूज टू बी, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक कॉलेज हुआ करता था, यहाँ पर एक मंदिर हुआ, आपको कहना हो कि यार आप रास्ते से गुजर रहे थे, अब वो वहाँ पे नहीं है, तो आप अपने दोस्तों को बोलोगे 2-3 साल बाद आप अपने गाँव में आए और यहाँ एक मंदिर था, तो बोलोगे यार यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था वो अब नहीं है, यार यहाँ पे एक झील हुआ करता था वो सूख गई। तो जब पहले पास्ट में कुछ हुआ करता था और अब नहीं है, तो उसको कहने के लिए हम यूज टू बी का यूज़ करते हैं गाइस। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक कॉलेज हुआ करता था, देयर यूज टू बी अ कॉलेज हियर, यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था, देयर यूज टू बी अ टेम्पल हियर, कि यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था, वैसे ही द एक्सपेंडिचर यूज टू बी
4,705.14 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 जो दिल्ली की जो खर्चा है ठीक है फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं कि द एक्सपेंडिचर यूज टू बी ₹4,705.14 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 2019-20 में दिल्ली का जो दिल्ली का जो ये एक्सपेंडिचर हुआ करता था वो 4,705.14 करोड़ हुआ करता था एंड और ₹4,965.58 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2021। कहने का मतलब दिल्ली का जो जो एक्सपेंडिचर है जो खर्चा है 19-20 में 4,705.14 करोड़ रुपये हुआ करता था जबकि 20-21 में जो एक्सपेंडिचर वो खर्चा है वो 4,965.58 करोड़ है ठीक है। हाउएवर हालांकि ये जो खर्चे हैं ड्यू टू द अनप्रेसिडेंटेड कोविड सर्ज ये जो अनवांछित जो कोविड सर्ज हुआ है ठीक है बढ़त हुआ है अनप्रेसिडेंटेड है कोविड सर्ज द एक्सपेंडिचर जो खर्चे हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट टू मंथ पहले दो महीने के दरमियान हैज जम्प्ड वह बढ़ गई है ₹8,511.09 करोड़ इन करेंट फाइनेंशियल ईयर वर्तमान के जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें यह जो खर्चा है वह बढ़ के कितना हो गया है 8,511.09 करोड़ ठीक है। देखिए डबल इनवर्टेड कॉमा वहाँ शुरू हुआ था या ख़त्म हुआ तो कहने का मतलब कि ही सेड उन्होंने कहा देखिए यहाँ पे ये डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा खत्म हुआ और ये बात किसी ने कहा ही सेड उन्होंने मनीष सिसोदिया जी ने कहा ठीक है। अब आया है टैक्स कलेक्शन डिक्लाइन अब यहाँ पे अब ये बोलो कि सर इस मैंने आपको बताया कि जितने भी हेडलाइंस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं समझते हैं पास्ट में तो कैसे है कि द टैक्स कलेक्शन हैज़ डिक्लाइंड मैंने टैक्स कलेक्शन घट गई है गिर गई है ठीक है द टैक्स कलेक्शन हैज़ डिक्लाइंड तो इसको ऐसे समझते हैं कि वो घट गई है। मिस्टर सिसोदिया सेड मिस्टर सिसोदिया ने कहा दैट की द टैक्स कलेक्शन हैज़ डिक्लाइंड देखिए अब यहाँ पे बोले थे ना टैक्स कलेक्शन हैज़ डिक्लाइंड टैक्स कलेक्शन डिक्लाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है लेकिन जब यहाँ पे कहानी में लिखा हुआ है तो पूरा यूज करते हैं कहानी में गाइस द टैक्स कलेक्शन हैज़ डिक्लाइन टैक्स कलेक्शन घट चुकी है ड्यू टू सेकेंड वेव ऑफ कोविड 19 पेंडेमिक के दूसरे लहर के कारण जो टैक्स कलेक्शन है वो कम हो चुकी है गाइस ठीक है और लॉकडाउन के कारण पेंडेमिक एंड लॉकडाउन के कारण अब फिर से डबल इनवर्टेड कॉमा शुरू हो रहे हैं द ऑर्डर हैज़ बीन इशूड अब देखिए यहाँ पे द ऑर्डर हैज़ बीन इशूड मैंने आपको यहाँ शुरू में भी दिखाया था कि द ऑर्डर इशूड ऑर्डर जारी किया गया है वही यहाँ पे कहा गया है अब देखो यहाँ पे कि द ऑर्डर हैज़ बीन इशूड ऑर्डर जारी कर दी गई है ठीक है द ऑर्डर हैज़ बीन इशूड टू कर्टेल द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट कटल करना मतलब डिडक्ट करना ठीक है कट करना सब्ट्रैक्ट करना ठीक है कम करने के लिए द ऑर्डर हैज़ बीन इशूड और जो आदेश है जो वर्डिक्ट है वो जारी कर दी गई है ठीक है इशूड शायद मैंने आपको वहाँ पे इज बताया था ना इज नहीं होगा हैज़ बीन ही होगा गाइस ठीक है कि द ऑर्डर हैज़ बीन इशूड द ऑर्डर हैज़ बीन इशूड जारी कर दी गई है तो कर्टेल करना मतलब मिनिमाइज करना सब्ट्रैक्ट करना कम करने के लिए ठीक है कम करने के लिए द एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑफ गवर्नमेंट सरकार के खर्चों को कम करने के लिए ऑर्डर जारी कर दी गई है बियॉन्ड पार मतलब इसको पार करके द एक्सपेंडिचर फॉर इसेंशियल एंड डे टू डे फंक्शंस और इसेंशियल्स खर्चे के पार मतलब इनको करना इसेंशियल खर्चा करना है डे टू डे जो खर्चा है उसको करना है जो नॉन इसेंशियल खर्चा है उनको कम करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। फर्दर इसके आगे द वेरियस वेलफेयर स्कीम और जो बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स हैं योजनाएं हैं बींग रन जो चलाए जा रहे हैं फॉर द दिल्ली रेसिडेंट्स दिल्ली निवासियों के लिए विल रिमेन अनचेंज वो अनचेंज वैसे की वैसे ही बनी रहेगी उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा एन ऑफिशियल स्टेटमेंट एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है गाइस ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा आर्टिकल्स पढ़ाया आपको गाइस इसमें करना यही है कि जब भी मैं कोई आर्टिकल्स पढ़ाता हूँ आपको इसकी क्योंकि इसके सारे के वर्ड्स मीनिंग मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ गाइस ठीक है। तो आपको शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखना और एक एक बात को नोट करना है गाइस अभी तो ये बेसिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ धीरे धीरे जैसे ही ये वीडियो मतलब मेरा टारगेट है कि इस वीडियो 50 वीडियोज़ अपलोड करने आफ्टर 50 वीडियोज़ मैं आपको फिर ग्रामर पढ़ाना शुरू करूँगा टेंस पढ़ाना शुरू करूँगा क्योंकि धीरे धीरे बहुत बच्चे इसके हैबिचुअल हो जाएंगे वो 50 डेज तक इसको देखने के बाद वो कुछ कुछ हद तक समझने लगेंगे फिर मैं आपको स्टोरी ला के दूंगा स्टोरी से भी पढ़ाऊंगा ट्रांसलेशन से पढ़ाऊंगा मैं मेरा एक प्लान बहुत अच्छा है सिस्टमेटिक वे में कि अगर आप इसको लगातार देखते जाते हो क्योंकि मैं एक 90 डेज का प्लान लेकर चलता हूँ कि 90 डेज के अंदर 90 डेज तक विदाउट एनी गैप
कि इस एक दिन के गैप के बिना लगातार आप इसे देखते जाते हो तो गाइज आप 100% न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाओगे। जैसे ही क्योंकि 50 दिन तक मैं आपको सिर्फ इसका सिटी पेज पढ़ाऊँ, क्योंकि इसमें कहानी होता है, टेंस होता है, पैसिव एक्टिव होता है, तो आप धीरे धीरे आपके मैंने स्ट्रक्चर सारे असम्बल्ड हो जाएंगे, सीख जाओगे आप, समझ जाओगे उसका मीनिंग निकालना, ठीक है गाइस। उसके बाद में फ्रंट पेज पर आएंगे, जब हम लोग फ्रंट पेज पर आएंगे तो उसको भी वैसे 90 डेज पढ़ेंगे। मतलब आप देखोगे कि 6 महीने के अंदर अंदर आप अच्छे अंग्रेजी के जानकार हो जाओगे और आप आपको एक हैबिट बन जाएगी न्यूज़पेपर पढ़ने के, समझ गए। सो आप बने रहो और देखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड इन योर ग्रुप गाइज। थैंक यू सो मच टू लाइक माई वॉच माई वीडियोज़ गाइज़।